सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको जिस तरह का हाई मैनिपुलेशन फोटो एडिटिंग कर सकते हो और ये कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है। तो अगर आपको भी इस तरह का सेम टू सेम फोटो एडिटिंग करना है तो ये वाली वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको स्टोरेज का परमिशन मांगेगा तो सिंपल आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे ऑल फोटोज वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस तरह का बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जाना है टूल्स पे और जाना क्रॉप पे, और यहाँ से जो आपको इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है। तो आपका जो बैकग्राउंड है इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ पे एक क्लाउड्स के बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया। इसके बाद सिंपल आपको इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है और अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से डन कर देना। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे जाना है, और इस बार जो है आपको बिल्डिंग्स के बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया। इसके सिंपल आपको इस तरह से इसे रोटेट कर लेना है और जूम करके आपको फोटो के ऊपर की साइड एडजस्ट कर देना है। और यहाँ पे ओपेसिटी मैं कम करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे कितना बैकग्राउंड चाहिए इसका, और वापस से 100 कर लेता हूँ। फिर आपको इरेज वाले टूल पर जाकर इरेजर का हार्डनेस को 1 पे रखना है, और साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हो, और जस्ट आपको इस तरह से इरेज कर देना है। तो देख सकते हो हमारा जो पीछे वाला बैकग्राउंड था उसके साथ ये वाला बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्टली मैच हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि दोनों बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है। तो आपको इस तरह से करने के बाद यहाँ से डन कर देना है, और यहाँ पे आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना है, और इस बार आपको रॉक के पीएनजी को ऐड कर लेना है। और इसे ऐड करने के बाद इस तरह से मैं जूम करके यहाँ पे फोटो के नीचे की साइड एडजस्ट कर लेता हूँ, और यहीं से जो मैं फिर से ऐड फोटो पे जाता हूँ और यहाँ पे अपने मॉडल के पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। और आप भी चाहे तो इस तरह से पोज दे सकते हो। और ये वाला फोटो का जो बैकग्राउंड है मैंने ऑलरेडी कटआउट कर लिया था। अगर आपको फोटो कटआउट करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप सीख सकते हो। और इसे बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। और यहाँ से डन करने के बाद आपको जाना है ड्रॉ टूल पे, और ये वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे साइज़ को रख लेना बिल्कुल फुल, ओपेसिटी भी फुल, और यहाँ पे हार्डनेस को आपको 1 पे रखना है, और जूमेबिलिटी को इनेबल कर लेना, और यहाँ पे जो कलर है आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है, और इस तरह से एक ब्रश को अप्लाई कर लेना। फिर ये वाला आइकॉन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लेना है, और इस तरह से जूम करके आपको फोटो के नीचे की साइड एडजस्ट कर देना है ताकि यहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो जाए। और इसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे इसका ओपेसिटी कम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 36 रख लेता हूँ और यहाँ से डन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो शेडो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड फोटो पे जाके एक और बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं, और इसे ऐड करने के बाद आपको जो है इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है, मतलब सिर्फ हाफ यहाँ पे जूम कर देना, और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपके यहाँ पे इसका ओपेसिटी रख लेना है 50% के आसपास, और एरेस पे जाके यहाँ पे इन्वर्ट कर लेना। फिर स्टोर पे जाके आपको हार्डनेस को 1 रख लेना है, और साइज़ को 34 रख लेता हूँ, और जस्ट आपको इस तरह से जहाँ पे मिडिल वाला एरिया है वहाँ पे आपको इस तरह से अप्लाई कर देना है। और इसे अप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है हमारे बॉडी पे, इसे हम यहाँ पे इरेज कर लेंगे। ब्रश वाला आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे इसका हार्डनेस को रख लेता हूँ कुछ इतना, और साइज रख लेता हूँ कुछ इतना, और इस तरह से आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इरेज कर लेना। यहाँ पे मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ, इसके बाद बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ, और यहाँ से भी डन कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे जाके यहाँ पे एक मून के पीएनजी को ऐड कर लेना है, और इसे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एडजस्ट पे, और यहाँ पे फोटो का कॉन्ट्रास्ट जो है आपको बिल्कुल इंक्रीज़ कर देना है ताकि जो बैकग्राउंड है बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक हो जाए। और नेक्स्ट हम यहाँ पे ब्लेंड को कर लेंगे यहाँ पे स्क्रीन, और इस इमेज को जो है आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से डन कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पे टूल्स पे जाके एडजस्ट पे जाना है, और सबसे पहले यहाँ पे जो आपको फोटो के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देना है, और यहाँ पे ह्यू को जो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ के सेट रखता हूँ लगभग इतना, और सैचुरेशन को भी कर लेता हूँ इंक्रीज़, और क्लैरिटी को रख लेता हूँ कुछ इतना, और कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ लगभग 16, और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और शेडो को डिक्रीज़ करके यहाँ पे हाइलाइट्स को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और यहाँ से डन कर लेता हूँ। तो हमने अपने फोटो का जो लाइट्स भी है इसे भी करेक्ट कर लिया है, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। इसके सिंपल आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।